देखिए मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, ये 3 दिन तक दिन में 3 बार लेनी है, सुबह शाम दोपहर। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये लीजिए, आप ये दवाइयाँ मेडिसिन से खरीद लीजिए। ठीक है, तो दोबारा तो नहीं आना पर पड़ेगा? नहीं, दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसी दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए क्या परेशानी है आपको? डॉक्टर, मेरी परेशानी सबसे अलग है। ऐसी क्या परेशानी है आपको जो सबसे अलग है? डॉक्टर, मेरी परेशानी ये है, मैं जब भी अपनी वाइफ के साथ सेक्स करना चाहता हूं तो मेरा लिंग खड़ा नहीं हो पाता। तो क्या अपनी वाइफ के प्राइवेट पार्ट देखने के बाद भी आपका लिंग उत्तेजित नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है डॉक्टर। यानी कि आपके लिंग में तनाव आता ही नहीं? आता है डॉक्टर, और बहुत तकड़ा तनाव आता है, पर एक दो ब्लू फिल्म देखने के बाद, मैं ब्लू फिल्म देख लेता हूँ तो मेरे लिंग में तनाव आ जाता है। ऐसा क्यों होता है डॉक्टर? तो ये बात है जी डॉक्टर, मेरी इस परेशानी से मेरी वाइफ भी बहुत परेशान है। अच्छा ये बताइए कि ये सब आपके साथ कब से हो रहा है और ब्लू फिल्में आप कब से देख रहे हैं? डॉक्टर, ब्लू फिल्म तो मैं काफी समय से देखता हुआ आ रहा हूँ, और ऐसा 1 साल से होने लगा है। देखिए मुझे ये एक मानसिक रोग लग रहा है। आप शादी से पहले जब ब्लू फिल्में देखते होंगे तो आपका लिंग तनाव में आ जाता होगा, और उसके बाद आप हस्त मैथुन करते होंगे। प्लीज डॉक्टर, मुझे ठीक कर दो, इस बीमारी के कारण मेरी वाइफ बड़ी टेंशन में रहती है। प्लीज डॉक्टर, आप इस बीमारी से ठीक हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए मेरे एक सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर बत्रा जी, तो मैं उनका आपको एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखकर दे रही हूँ, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपका अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ये लीजिए, आप उनसे ज़रूर जाकर मिलिएगा। तो ठीक मैं है? इनको आपका नाम? हाँ, मेरा रेफरेंस आप दे दीजिए। अच्छा, आपका इलाज अच्छे से हो पाएगा। अच्छा डॉक्टर, इनकी फीस क्या होगी? ये तो वही बता पाएंगे। चलिए, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू।